लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट द्वारा लाइन बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग दिए जाने के विरोध में एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन BMY-14 के क्रू लॉबी में किया गया। साथ ही ट्रॉली बैग और विज्ञान का पुतला दहन किया गया। BMY में लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट के द्वारा लाइन बॉक्स टूल बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग देने का विरोध किया गया और एक दिवसीय देशव्यापी विरोध सभी क्रू लॉबी में किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले रेल मंत्री जी के द्वारा कवच नामक यंत्र का सफल परीक्षण किया गया। एक तरफ देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी में नित नए खोज कर रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के प्रयास में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ रेल प्रशासन के नकारात्मक सोच के कारण लोको और ट्रेन के टूल जो लाइन बॉक्स में रहते हैं उनको इंजन में ही न उपलब्ध कराकर उसे लोको पायलट से ट्रॉली बैग में परिवर्तित कराने का फरमान जारी कर दिया गया। इस कारण एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किए जाने की बातें कही, साथ ही ट्रॉली बैग और विज्ञान का पुतला भी दहन किया गया। हमारी जो आज की मांग है वह रेलवे बोर्ड का एक आदेश निकला है जिसमें यह कहा गया है कि लोको पायलट को ट्रॉली बैग दिया जाएगा। तो हमारी जो डिमांड है वह यह है कि जो टूल्स हैं वो रेलवे के टूल्स हैं और उसको रेलवे इंजन में प्रोवाइड कराए। आज इंजन के लिए फॉक्सेप डिवाइस लगा रहा है, एंटी कॉलिजन डिवाइस आ रहा है और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कवच का परीक्षण हुआ है। कवच जो कि 50 लाख रुपए का एक इंजन के लिए लगेगा, हमारी डिमांड है कि यह टूल बॉक्स का केवल बॉक्स केवल 50 रुपए में तैयार होगा, इंजन में तैयार कराए और हमारी डिग्निटी को बनाए रखे, हमको कुली ना बनाए और रेलवे का भी रेवेन्यू बचाए। रेलवे हमको जो 5,000 का अलाउंस देने की बात कर रहा है, हमें कोई अलाउंसेंस नहीं चाहिए और रेलवे की रेवेन्यू को बचाए, रेलवे का बढ़ाने में काम आएगा। ये टूल बॉक्स जो था पहले भी आप लोगों को प्रोवाइड होता था कि हाँ, रेलवे का टूल बॉक्स था, रेलवे पहले प्रोवाइड कराती थी, इसको लाइन बॉक्स रहता था और लाइन जो बॉक्स बॉय रहते थे वह सभी स्टेशन पे क्रू चेंजिंग पॉइंट पे इसको उतारने और चढ़ाने का काम करते थे। अपना परिचय बताएंगे? मैं जयशंकर शर्मा, सेक्रेटरी रायपुर डिवीजन LRS है। प्रदर्शन के अलावा और क्या किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं? चूंकि टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बढ़ गई है लेकिन उस टेक्नोलॉजी को विज्ञान को हमारे लोको में अप्लाई नहीं किया जा रहा है, इसलिए आज हम लोग विज्ञान का पुतला दहन कर रहे हैं। हमारा जो ब्रांच है LRSA रनिंग ब्रांच BMY रायपुर डिवीज़न, हम हमारे यहाँ के सभी जो लोको पायलट है और साथ में जो है साथी गार्ड लोग भी हैं, उन सबकी एक मांग है जो रेलवे अभी कोशिश कर रहा है कि जो टूल किट के नाम पर रेलवे लोको पायलट को मतलब जो है एक जो कूली के स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा है। और जो अगर देखा जाए तो एक लोको पायलट का जो शान है उसका जो इंजन जो उसकी जो है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो अभी G12 जो लेटेस्ट नया इंजन आया, जैसा भी शर्मा जी ने बताया था कवच के बारे में बताया कि हम साइंस विज्ञान और उसका टेक्नोलॉजी की तरक्की मतलब कितना आगे बढ़ रहे हैं, मतलब चांद पे मतलब मंगल ग्रह तक की बात कर रहे हैं और हम एक छोटा सा जो है लोहे का डब्बा जो है उस इंजन में प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ये वो नहीं है कि प्रोवाइड नहीं करा सकते, उस लोको इंजन में जो है आज जो है अच्छी क्वालिटी की जो AC है वो भी प्रोवाइड हो रहा है, वो भी हमारे लंबी मांग है। मतलब बहुत कुछ सुविधा दिया जा सकता है लेकिन ये एक सोची समझी जो मानसिकता जो है कि लोको पायलट जो है आज जो सरकार की दमनकारी नीतियों का जो विरोध कर रहा है उसको दबाने का कोशिश कर रहा है, उसका सम्मान के साथ जो है ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस सम्मान के बचाने के लिए हम जो है लड़ाई कर रहे हैं और हम बचाने के साथ साथ जो है रेल का जो है समय भी जो है उसको बचाएंगे और रेल की तरक्की में हम तो अपने निरंतर सहयोग दे रहे हैं। कोरोना काल में जब पूरा देश बंद पड़ा हुआ था तब ये जो लोको पायलट जो है यही जो है पूरा देश को जो है आप घर में रहिए घर तक हम सामान पहुँचा रहे, खाने पीने से लेकर हर मतलब इमरजेंसी काम में इस लोको पायलट ने देश का सहयोग किया है, तो उसको सम्मान उचित सम्मान जो न्यायोचित मिलना चाहिए। हम तो बोलते हैं कि वो ट्रॉली बैग हमको मिलना चाहिए, वो जो हमारा जो लाइन बॉक्स है उसके साथ में उसके जो बैग हमारा अपने जो सामान बाहर रखने के लेते हैं उसके लिए जो है विशेष रूप से डिजाइन जो है जो पटरियों में भी चल सके हमारे जो उसके साथ में वो सब ऐसा मजबूत जो है रेलवे से हमको जो पर्सनल हमको प्रोवाइड होना चाहिए हमारी मांग है। लेकिन जो टूल बॉक्स है उसको इंजन वो इंजन के समान है, वो इंजन में सही सुसज्जित दिखेंगे। रेलवे में आज इंजन में कई प्रकार के जो डिवाइस लग रहे हैं, कवच से लेकर बताया गया RTS और रियल टाइम जो है आपका जो लोकेशन ट्रेस करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी है लग रहा है, बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। और वो जो अभी जो गर्मी भी जा रही है, हमारी मांग ये भी है कि गर्मियों में जो AC प्रोवाइड है वो बराबर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और जिनमें नहीं लगे हैं वो तथा शीघ्र जब एकदम बिल्कुल शीघ्र जो रूप से जो है हमारी जो है AC जो है लगना चाहिए। जैसे हमारा रेलवे क्या है, एक तैयारी करता है बरसात आने से पहले कुछ चीज़ तैयारी है, ठंड के मौसम में वैसी गर्मी के आने के मौसम में जो है साइड से जो है
तैयारी करना है और उसके लिए जो है स्टाफ का कमी बताया जाता है और जिसको निजीकरण की वजह से जो है जो रेलवे का स्टाफ इसको नहीं है ऐसा सब कारण बताकर जो है इसको किया जाता है। तो इन सब की मांगों को बहुत सारी मांगे अन्य जो है, लेकिन अभी जो हम विरोध जो कर रहे हैं हमारा जो है टूल बॉक्स का जो है वो उसको इंजन में प्रोवाइड होना चाहिए, सही जगह पर लगना चाहिए और लोको पायलट को जो है सही जो है टूल बॉक्स लाइन जो है मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस युग में ट्रॉली बैग लोको पायलट के सम्मान में आघात करने की कोशिश है। रनिंग स्टाफ अपने सम्मान और रेल को सुचारू रूप से चलाने की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। यदि टूल बॉक्स इंजन में ही लगा दिया जाता है तो पैसों के साथ कीमती समय की बचत भी होगी, जिससे रेल और देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र।